माँ किचन इंडिया पोंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं जो मुझे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये रेसिपी देखने के पहले आप मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें। आटे की इडली बना के दिखाने जा रही हूँ। ऐसे तो चावल दाल मिलाकर सूजी का इडली बनता है, मगर आटे का भी बनता है। ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि दोस्तों ये हेल्दी है और बहुत कोई जैसे डायबिटिक वाले चावल को नहीं पसंद करते, अवॉइड करना चाहते चावल की चीजों को, और बहुत जिसका वजन ज्यादा होता है वो भी चावल को अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्यों ना आटे से ही अगर इडली बनता है तो क्यों ना बना के देखा जाए कि ये कैसा लगेगा, किस तरह बनेगी। तो आप इसे जरूर बनाए इस तरह से। और इसके लिए मैंने ये एक कटोरी एक प्याला आटा ली हूँ और ये आधा कप दही ली हूँ। एक कटोरा आटा है, आधा कप दही है और 1/4 चम्मच सूजी है। 1/4 कप सूजी है। देखिए मैं आटे को 2-3 सेकेंड के लिए थोड़ा रोस्ट कर ली चूल्हे में और देखिए थोड़ा रेडिश कलर भी आ गया है और सोंधी सोंधी महक भी आ रही है, तो मतलब ये रोस्ट हो चुकी है। और मैं इसे अभी ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, फिर बाद में इसका बैटर बनाऊंगी, तब फिर दिखाऊंगी आपको। ये सब मिलाकर दही वगैरह मिलाकर फिर बनाऊंगी, बैटर बनाऊंगी। ये जो रोस्ट करके रखी थी व्हीट फ्लावर है तो ये ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसका बैटर बनाऊंगी। देखिए मैंने ये व्हीट फ्लावर को इसमें डाल रही हूँ, आटा को इसमें डाल रही हूँ, प्याले में डाल दी बड़े प्याले में। सॉरी मैंने पहले आटा को डाल दी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करके मुझे मिक्स करना है क्योंकि गाँठे पड़ने का डर रहता है। दही थोड़ा डाली, गर्मी का समय है इसलिए ज्यादा दही देने की उतना जरूरत नहीं है, जल्दी फर्मेंटेशन हो जाएगी। और अगर बहुत जल्दी चाहिए आपको तो आप दही थोड़ा ज्यादा ही डालें और खट्टा दही इसमें यूज करें। थोड़ा पानी भी देना पड़ रहा है और ये रोस्ट इसलिए मैं कर ली आटा को क्योंकि चिपचिपा ना हो। ऐसे आटा को नहीं रोस्ट करने से थोड़ा चिपचिपापन रहता है आटे में इसको बॉईल करने से, तो इसलिए मैंने थोड़ा रोस्ट कर ली तो चिपचिपा नहीं लगेगा इडली। देखिए मेरी बैटर तैयार हो चुकी है, इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होगा, टेक्सचर ऐसा होगा। ना ज्यादा मोटा, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं, इसका टेक्सचर ऐसा होगा। और इससे मैं 1 घंटा के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए रख दूंगी। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, जल्दी चाहिए तो इसमें थोड़ा और ज्यादा दही, 1 कटोरी दही डालकर रखें। गर्मी का समय है, जल्दी फर्मेंटेशन हो जाती है। आटा हो चुकी है बैटर का, देखिए फर्मेंटेशन हो गया है अच्छी तरह फूल के।
आधा ये कटोरी की आधा हो गया है बड़ी कटोरी की। अब मैं इसमें ये टमाटर एक काट के रखी हूँ छोटी, आधा कैप्सिकम को काट के रखी हूँ, धनिया पत्ती है, करी पत्ता है और ये हरी मिर्च है दो, और अदरक आधा इंच के करीब है। इसको मैं कद्दूकस के इसमें डालूंगी, कद्दूकस करके इसमें डालूंगी। मैं एक एक करके सभी चीजों को बैटर में डाल रही हूँ। हरी पत्ता डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, धनिया पत्ती भी डाल दी। ना अदरक है इसे मैं कद्दूकस करके डालूंगी। इसमें एक चम्मच के करीब थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल दी, रिफाइंड ऑयल डाल और बेकिंग सोडा है। अच्छा, बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप चाहे तो इसके बदले में इनो भी डाल सकते हैं। और इसके बदले इनो भी डाला। और सब्जियां भी और भी अपने मन पसंद का इसमें डाल सकते हैं। और नमक मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। बैटर का टेक्सचर देखिए इस तरह होना चाहिए। अब ये सांचे में मैंने आधा ग्लास से थोड़ा ज्यादा पानी डाल दी और इसे गैस के चूल्हे में गरम करने के लिए रख रही हूँ। ये मेरा इडली मेकर है, इडली की सांचा है, तो इसे मैं ग्रीस कर रही हूँ तेल से। इडली के सांचे में मैंने एक चम्मच कर करके डाल रही हूँ। और एक सांचे को इसके ऊपर रख दी, फिर इसमें भी मैं एक चम्मच करके डाल रही हूँ। मैंने ये सांचे को इसमें रख दी, ये बर्तन में पानी मैंने दी थी आधा ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा, अब पानी खोल चुकी है। अब मैं कंटेनर को इसमें रख दी, सांचे को इसमें रख दी, इडली की सांचे को। अब मैं इसे ढक्कन बंद कर दूंगी। गैस की फ्लेम को मध्यम आंच में रखी हूँ। कितना दिन लगेगा? 10-15 मिनट में बन जाता है। हाँ, ये मेरी इडली तैयार है। मैंने चाकू ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही इसे सांचे से निकाले इस तरह। देखिए देखिए कितना अच्छा से निकल गया।
ये मैं सांचे से निकाल ली, देखिए इडली को। अब चाहे तो इसे ऐसे भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसे फ्राई करके भी आपको दिखा रही हूँ कैसे मैं फ्राई करूंगी। मैं थोड़ा तेल डाल दी, रिफाइंड। हाँ, अब बना सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल में भी। और मैं थोड़ा राई डाल दी, थोड़ा सा हींग डाल दी, हींग डाला। करी पत्ता डाल रही हूँ, करी पत्ता डाल दी, डाल दी हरी मिर्च। हाँ, प्याज थोड़ा डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी डाल दी, नमक डाल दी। अब मैं इसमें थोड़ा पाव भाजी मसाला डाल दी। आप चाहे कोई भी मसाला डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये मसाला ही देना है। स्टेप बाय स्टेप देखिए आप, ताकि मैं किस तरह बना रही हूँ आप भी उसे बना सके। थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी, ये जो है इडली इसको डाल रही हूँ। कुछ इडली को मैं फ्राई करूंगी। कोई कोई सादा ही पसंद करते हैं, ज्यादा मसाला नहीं पसंद करते हैं, उसे आप इस तरह ही खाली सर्व कर सकते हैं। आपका जैसा मन है वैसा आप बना के खा सकते हैं। ये खाने में सच में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत टेस्टी बनता है ये। रोटी खाते खाते मन उग जाता है तो आप नाश्ते में या रात के डिनर में भी इसे खा सकते हैं। और आटा तो हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है। आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चों के। अब निकाल दीजिए। हाँ, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही सौते ही करना है। अब इसमें धनिया पत्ती दे दिया। धनिया पत्ती डाल, ये आधी पोर्शन आपके फ्राई किया हुआ है, आधा मैंने सादे ही रखी हूँ, इससे फ्राई नहीं की है। ये आपका बिना फ्राई किया हुआ है, जिनको जो पसंद है वो खाएं, है ना। और ये क्या चीज के साथ सर्व कीजिएगा, चटनी वगैरह? चटनी के साथ, आम की मेरे पास चटनी है, आम की चटनी या सॉस से भी खा सकते हैं, या कोई भी चटनी से आप इसे खा सकते हैं, सभी को खिला सकते हैं। और ये आप जरूर देख कर कॉमेंट जरूर करें, आपको आप बना के खाए और मुझे जरूर कमेंट्स करें कि ये कैसा लगा आप लोग को। और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।